हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को तोरई की सब्जी की रेसिपी। मेरी रेसिपी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो दिल से एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। ये देखिए, हमने एक मीडियम साइज की टमाटर काट ली है और 3 से 4 लहसुन की कलियां हैं और एक मीडियम साइज का प्याज है और 3 से 4 हरी मिर्च और ये काले चने हैं 1/2 कप के करीब। इन्हें हम ओवरनाइट फुला लिए थे और फुलाने के बाद रख लिए। और ये नेनुआ है, जिन्हें घ्यूरा भी बोला जाता है, तोरई भी बोला जाता है। इन्हें छील करके बढ़िया से काट लिए और कुछ खड़े मसाले हैं। चलते हैं कढ़ाई की ओर। ये देखिए, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अच्छे से गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। हम इसमें इतना ही खड़ा मसाला डाल रहे हैं, आप लोग चाहे तो और भी खड़े मसाले यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भुना चुकी हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच के करीब डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन चले जाए। और अब हम इसमें फूले हुए काले चने को डाल देंगे। चने डालने के बाद इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। हमारे चने अच्छे से भुना गए हैं, 3 से 4 मिनट तक इन्हें भूनेंगे। ये देखिए, हमारे चने भुना गए हैं, ढक्कन उगाड़ के देख लें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच के करीब नमक डाला है, थोड़े से 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैं 2 चम्मच के करीब यूज कर रही हूँ। आप लोग जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। और 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं और थोड़े से पानी डाल रहे हैं ताकि लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल रहे हैं ताकि हमारे ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए चने में। और इन्हें 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए थे, का वीडियो मेरा कट हो गया था, सॉरी इसके लिए। टमाटर ऐड कर दिए थे, ये देखिए टमाटर भी हमारे भुना रहे हैं। इन्हें हम ढक करके 2 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब हम अभी इसमें सब्जी मसाले थोड़े से डाल देंगे। इन्हें भी हम अच्छे से मसालों में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमने जो तोरई को बारीक काट के रखा था उन्हें डाल देंगे। डालने के बाद इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, तोरई को और सारे मसाले जो हैं, जो इनमें अच्छे से मिल जाए, मिला लेंगे। एक बार इस तरीके से आप इसकी सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनता है। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद पूरी अच्छी तरह से हमारी सब्जी मिल चुकी है। अब हम इन्हें ढक देंगे, ढक करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी 5 से 7 मिनट हो चुकी है। ये देखिए, हमने इनमें थोड़ा सा भी पानी का यूज नहीं किया था। ये जो हमारी सब्जी है, जो तोरई है, उन्हीं ने पानी छोड़ा है, इतना सारा ये पानी छोड़ी है सब्जी, इतना पानी छोड़ी है। और इसे हम एक बार चला लेंगे अच्छे से। चलाने के बाद फिर हम इन्हें ढक करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि इनका जो पानी है वो जल जाए और सब्जी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, जितनी पानी छूटी हुई थी सारे पानी जल गए हैं और हमारी सब्जी कितनी अच्छी सी पकी है, सॉफ्ट हो गई है। और मैं इतना ही ग्रेवी रखना चाहती हूँ सब्जी में, आप लोग ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इससे 2 मिनट पहले इन्हें उतार लें।
और अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, इससे हमारी सब्जी की टेस्ट बढ़ जाती है। गरम मसाले डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, इन्हें हम ढक देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आई है इसमें। बाय।